तो आज मैं अपने घर पे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं घूमने जाया जाए। तो मेरे को एक ख्याल आता है कि मैं क्यों ना बीच पे घूमने जाऊं। तो मुझे ये ख्याल काफी अच्छा लगा, तो आज हम जाने वाले हैं बीच पे। तो हम अपनी कार को लेकर निकलते हैं बीच पे, और ये खड़ी हमारी फॉर्च्यूनर। तो जल्दी से हम फॉर्च्यूनर के अंदर बैठते हैं, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बीच पे जाने के लिए। तो फॉर्च्यूनर के अंदर जल्दी से हम बैठ जाते हैं और लेके चलते हैं इसको बीच पे। फाइनली हम बीच पे पहुंच चुके हैं, पर मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया बीच पे आने के लिए, पर मेरे को यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से हम अपनी कार से उतरते हैं और यहाँ के नजारे लेते हैं। सच में बीच का नजारा काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरे को काफी बड़ा समुन्दर दिख रहा है, जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और इस बीच पे हमारे बैठने के लिए चेयर्स भी लगा रखी है, जिसपे हम बैठ के आराम से समुन्द्र का नजारा ले सकते हैं। समुन्द्र को देखते देखते मेरा भी मन कर गया कि मैं भी समुद्र के अंदर जाऊं, पर समुद्र के अंदर जाने के लिए मेरे को बोट की जरूरत होगी। पर बोट तो मेरे पास नहीं है, पर मैं एक बोट की दुकान को जानता हूं जिसपे हमें बोट मिल जाएगी। फाइनली मैं बोट की शॉप पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को काफी सारी बोट दिख रही है जिसकी हमें जरूरत है। और मेरे को ये वाली बोट काफी अच्छी लग रही है, पर इस दुकान का मेरे को कहीं पर मालिक नहीं दिख रहा है। भाई कौन है भाई, तू मेरी दुकान पे कहाँ से आया? अगर दुकान पे कोई नहीं था तो तू मेरी दुकान पे चोरी करेगा क्या? अरे मैं चोरी नहीं करने आया था, मैं क्या तेरे को कैसे चोर दिखता हूँ? मैं तो इन बोट्स को खरीदने आया था। अबे क्या कहा, तू खरीदेगा क्या इन बोट्स को? तेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे जितने की ये बोट है। अब तो कुछ ज्यादा ही बोला है, अब तो मैं यहाँ से एक बोट खरीद के जाऊंगा। बता कितने की है ये बोट? अबे इस बोट की कीमत 10 लाख रुपए है। अब बता तेरे पास है इतने पैसे? क्या बोला, 10 लाख रुपए? अबे इतने सारे पैसे सुनकर डर गया क्या? अबे इतने पैसे तो मेरी गाड़ी के अंदर ही रखे रहते हैं। ये पकड़ अपने पैसे, मैंने इसको 10 लाख रुपए पकड़ा दिए हैं। अब इनने बोला है कि मैं थोड़ी देर में इस बोट को इस ट्रक विद ट्रेलर के अंदर लोड करवा देता हूँ। फाइनली हमारी बोट ट्रक विद ट्रेलर के अंदर लोड हो चुकी है, अब जल्दी से हम इस ट्रक को लेके चलते हैं बीच पे। फाइनली मैं अपनी बोट को लेके आ चुका हूँ बीच पे, अब जल्दी से हम ट्रक से उतरते हैं और इस बोट को उतारते हैं पानी के अंदर। फाइनली मैंने अपनी बोट को पानी के अंदर उतार दिया है, अब जल्दी से हम अपनी बोट के अंदर बैठते हैं और अपनी बोट को चालू करते हैं। तो हमारी बोट चालू हो चुकी है, और पानी के अंदर बोट चलाने में काफी मजा आ रहा है, तो मैं तो काफी देर तक इस बोट को चलाने वाला हूँ। मैं अपनी बोट से पानी के अंदर उतर चुका हूँ, क्योंकि मेरे को पानी के अंदर स्विमिंग करनी थी, तो यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। पर सामने क्या है? अरे यार ये तो एक शार्क है, तो मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये शार्क मेरे को मार के खा जाएगी। जल्दी से भागो यहाँ से, पर मैं अपनी बोट अंदर भी नहीं चढ़ पा रहा, और शार्क मेरे पीछे ही आ चुकी है, और ये मेरे साइड में ही तैर रही है। जल्दी से मुझे यहाँ से तैर के भागना पड़ेगा, नहीं तो शार्क मेरे को मार के खा जाएगी। तो अभी शार्क यहाँ से चली गई है, तो पीछे एक बार देखते हैं, तो वो पीछे ही खड़ी हुई है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे तैरूंगा तो पक्का मेरे को शार्क मार के खा जाएगी। तो मेरे को लगता है कि वो चली गई है, तो पीछे एक बार देखते हैं, तो वो अभी तक मेरे पीछे ही है, तो मेरे को और भी तेज भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी फुल स्पीड से समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। फाइनली मैं समुद्र से बाहर निकल के आ चुका हूँ, पर भाई वो कितनी बड़ी शार्क थी, मेरे को आज वो मार के खाई जाती, तो वो अभी भी मेरे को देख रही है यहाँ से। पर अब मैं उसके हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं समुद्र से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं अकेले कभी नहीं आने वाला समुद्र के अंदर स्विमिंग करने है। तो जल्दी से हम इस बीच से निकलते हैं। तो आज मैं शार्क से बच गया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।